एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम टू वेजियोरा स्मार्ट लर्निंग। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा होगा जो आज का हमारा टॉपिक है। बट ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो चलिए कुछ बातें हो जाए आपके क्लासरूम के बारे में। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन, जो आपका क्लासरूम होता है उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इतने सारे आपके क्लासमेट्स होते हैं, टीचर होती हैं आपको पढ़ाती हैं, तो उस क्लासरूम में जब आप जो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब आप लोग इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कि आपस में मेल जोल करके सही से रहना ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरह से ऑर्डरली हर कुछ, सारा काम ऑर्डरली सही से होना। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन एक क्लासमेट का दूसरे क्लासमेट से सही नहीं रहेगा तो फिर कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, है ना। और आपकी टीचर्स और आपके क्लास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी काफ़ी ज़्यादा हौशपौश हो जाएगा, है ना, लड़ाइयाँ होंगी, कुछ भी सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कंट्रोल, कंट्रोल के बारे में भी बात करते हैं। तो कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, है ना, कि किस अमाउंट में कब किस तरह से चाहिए, कि कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, कब कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, सही से करनी है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस तरह का कंट्रोल तो हमारे एनवायरनमेंट में होता ही है, बट साथ में हमारे बॉडी में भी कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में तो इतनी सारी ऑर्गन्स हैं ना, ब्रेन है, हार्ट है, फिर स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, हैंड, लेग्स, जो हमारे आउटर ऑर्गन्स है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। तो वो सारे अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो उन लोग में भी थोड़ा सा हौशपौश सा हो सकता है ना, और इस वजह से हमारे बॉडी फंक्शनिंग में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन, जो वी ह्यूमंस होते हैं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन परफॉर्म करता है, तो वो परफॉर्म करते हैं कुछ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं, एक तरह से हमारे बॉडी में पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल देखता है। ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कंट्रोल इज़ दी फैकल्टी टू रेगुलेट एन एक्टिविटी, हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करना ही, कब किस अमाउंट में किस चीज़ को करना है उसको कहते हैं कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन इज़ दी ऑर्डरली, मतलब हर काम हो और सही से हो, ऑर्डरली वर्किंग, ऑर्डरली वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू कैरी आउट वर्क स्मूथली, सारा काम स्मूथली एकदम आराम से मक्खन की तरह सारा काम होना चाहिए ना, तब मज़ा आएगा। अगर हर बात में लड़ाई झगड़ा हौचपौच सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही, हर काम स्मूथली हो जाए उस चीज़ के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ से आता है, ये आता है हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में, एनिमल नर्वस सिस्टम से आता है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली न्यूरॉन्स से बना रहता है, न्यूरॉन्स, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इन सभी को मिला करके हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, इम्पल्स, इफेक्टर्स, इन सभी इन टर्म्स के बारे में आप लोग को जानना है, तो एक बार जल्दी से हम लोग इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, तो ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये कुछ नर्वस सिस्टम का फिगर है, ये थोड़ा एनिमेटेड फिगर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये चमकता हुआ सा दिख रहा होगा कुछ, फिर ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सेल्स की तरह। तो ये हम लोग जानेंगे अभी कि एक्चुअली यहाँ पे ये फिगर एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये स्टिमुलस एक्चुअली वो होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी जो चेंज होता है उसको कहते हैं हम लोग स्टिमुलस।
अब उसी स्टिमुलस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टिमुलस होता है ये रिसीव करता है हमारा बॉडी कुछ सेल्स से, उन सेल्स को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। तो जो सेल्स जो स्टिमुलस है आपस में जो चेंज हो रहा है रिसीव करते हैं वो होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर ये रिसेप्टर्स जब उस स्टिमुली को रिसीव करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ इम्पल्स होता है। तो ये जो आपको चमकता हुआ सा दिख रहा है ना, ये सारे इम्पल्स हैं। इम्पल्स एक तरह का इलेक्ट्रिकल वेव जैसा होता है जो एकदम जल्दी से एकदम भाग कर जाता है, कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास जाता है कि जल्दी से इनको मैसेज मिले ताकि वो रिएक्ट कर पाए तुरंत, ठीक है। फिर आता है ये इम्पल्स, फिर आता है इफेक्टर्स। अब स्टिमुलस में इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, ठीक है, फिर इम्पल्स हो गया, फिर उसके बाद ये जो इफेक्टर्स हैं, ये इफेक्टर्स जो हैं उन पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जब जैसे अगर हम लोग को गर्म लगा, कोई चीज़ बहुत हॉट है, गर्म है, तो हम लोग उसको छुए फिर हमको गर्म लगा तो तुरंत हम लोग हाथ हटाते हैं। तो ये जो मसल्स है हमारा मूव कर रहा है, ये मसल्स क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो इसी चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, इम्पल्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हम लोग जो सेंसेशन, जो हमारे बॉडी में जो सेंसेशन फील होता है सराउंडिंग्स को लेकर के, वो किस तरह से फील होता है, ये आप लोग देख रहे हैं। जो बिल्ली है यहाँ पे, ये किसके पीछे भाग रही है, चूहे के पीछे भाग रही है। टॉम एंड जेरी देखते हैं ना आप लोग, जो टॉम है हमेशा जेरी के पीछे पीछे भागते रहता है बट फिर भी हमेशा हार जाता है। तो ये बिल्ली भी उसी तरह से चूहे के पीछे भाग रही है। तो ये जैसे ही बिल्लियां जो हैं जो चूहे को देखती हैं उनके पीछे भागने को निकल जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है, हाँ, क्योंकि ये जैसे ही इनके इन्वायरमेंट में एक चूहा दिखा, एक चेंज आया इनके इन्वायरमेंट में, वैसे ही इनको क्या हुआ, एक रिसेप्टर इनका ने कुछ रिसीव किया। कौन से रिसेप्टर यहाँ पे काम करेंगे, अच्छा कौन से रिसेप्टर से पहले मैं आप सबसे ये डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो सेंसेशंस होता है हमारे बॉडी में, जो आप बचपन में पढ़े होंगे ना, सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ईयर, नोज, स्किन एंड स्किन एंड टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, आई से विजन होता है, फिर स्किन से फील करते हैं, ईयर से सुनते हैं। तो उसी तरह से बिल्ली है, जैसे ही ये इसको देखी मतलब इसकी आँख, इसका जो सेंस, कौन सा सेंस ऑर्गन यहाँ पे काम कर रहा है, इसका आँख, विजन। तो जैसे ही ये देखी है फिर इसको इसको क्या मिला, इतने रिसीव किया, आँख, इसके आँख ने एक मैसेज रिसीव किया और फिर वो रिसीव करके ही वो एक इम्पल्स हुआ। इम्पल्स से फिर वो इम्पल्स हुआ, फिर वो इफेक्टर्स, फिर वो हमारे ब्रेन के पास पहुंचा, फिर इफेक्टर्स के पास आया। इफेक्टर्स जो इफेक्ट करेगा, यानी कि इनके हाथ और पैर जो इनके पीछे, चूहे के पीछे दौड़ेंगे, उन तक ये मैसेज पहुंचा और फिर बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया और वो तेज़ी से भागने लगी जल्दी से चूहे को खाने के लिए, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग को ये फायर दिख रहा है, अगर इस फायर को हम लोग छू लेते हैं तो हम लोग को ना हमारा हाथ जल जाता है और अगर गर्मी फील होती है जलने से पहले ही हम लोग अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये इन्हीं सारे रीजंस की वजह से होता है कि हमारे हाथ में क्या होगा, मेरे हाथ में स्किन है तो हमारा स्किन फील करेगा उस हॉटनेस को, फिर वही हॉटनेस फील करके एक इम्पल्स होगा, इम्पल्स फिर हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ले जाएगा और फिर इफेक्टर्स जो हमारे हाथ है वो इफेक्ट करेगा, मतलब वो अपना रिस्पॉन्स देगा उस चीज़ को, उस एक्शन के लिए, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हो गए जो आप लोग को समझ में आना था, तो अगर आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए, जो रिसेप्टर्स स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे टंग पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स। फिर हियरिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स,
और स्किन में जो रिसेप्टर्स होता है उसको कहते हैं टैंगो रिसेप्टर्स, और आईज में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये देख लीजिए, खैर ये आपके ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में तो आपके बुक में लिखा हुआ था, तो ईयर स्किन और आईज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है इन केस आपको एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे कुछ रिसेप्टर्स के फिगर हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कि आप लोग इनको देख ले, इसके लिए मैंने यहाँ फिगर लगाया है। यही ये विजन के लिए होता है, ये हमारे आईज में होते हैं, ये हमारे टंग में होता है, टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, ये हमारे नोज़ में होता है, ये हमारे कान में होता है फोनो रिसेप्टर, और ये हमारे टैंगो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट तो सेल होता है, बट हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन्स। क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम को लेकर के, वो सारे इसी में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स होता है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये आपका सेल बॉडी है, ठीक है। फिर ये आपका डेंड्राइट्स है, ये आपका डेंड्राइट्स है, ये जो इस तरह से सेल बॉडी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ दिख रहा है, ये आपका डेंड्राइट्स है। फिर ये वाला पार्ट जो पूरा होता है ये होता है एक्सॉन, ठीक है। ये होता है क्या, एक्सॉन। अब ये जो अभी हम लोग बात किए थे रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, वो सब जो होता है वो सब इसी सेल से होता है, ठीक है। इस सेल्स में कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग को मैसेज रिसीव होता है वो मैसेज रिसीव करता है ये डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट जैसे ही मैसेज रिसीव करता है वो मैसेज पहुंचाता है साइटोन को, ठीक है। साइटोन से फिर वो ले जाता है मैसेज एक्सॉन तक, एक्सॉन फिर एक्सॉन से मैसेज आते आते यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, फिर यहीं से आपका शुरू हो जाता है दूसरा। फिगर उतनी अच्छी नहीं बनी है, फिर से बना देती हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा न्यूरॉन बनाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मैसेज आया यहाँ डेंड्राइट से, फिर साइटोन में पहुँचा, साइटोन से एक्सॉन में पहुँचा, एक्सॉन से फिर वो एक्सॉन के लास्ट टर्मिनल तक पहुँचा, इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और नर्व टर्मिनल भी कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। और फिर वहाँ से वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाता है। न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और जितने सारे फंक्शन जो नर्वस सिस्टम के होते हैं वो इसी में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया, ये डेंड्राइट से मैसेज आता है, तो सेल बॉडी बेसिकली एक नॉर्मल सेल की तरह होता है, जैसे बाकी सारे सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी वो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है, इनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया, यही सेंसेशन को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी तक। एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट जो आता है वो इम्पल्स सेल बॉडी के तरफ लाता है, और वो इम्पल्स जब सेल बॉडी की तरफ आ जाता है तो उसी इम्पल्स को उससे दूर कौन ले जाता है, एक्सॉन ले जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग सेल पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ये जो हमारा न्यूरॉन होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है ना, हमारे बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। इतना लंबा, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन।
तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो आप लोग भी न्यूरॉन देखे, ठीक है, ये न्यूरॉन का जो एंडिंग्स था, ये एंडिंग्स देख रहे हैं ना, एग्जॉन टर्मिनल, ये एग्जॉन टर्मिनल जो एंडिंग देख रहे हैं आप लोग, यही जो है, जो एक नर्व दूसरे नर्व से कनेक्टेड होता है, और फाइनली एक नर्व जो होता है हमारे मसल से कनेक्टेड होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन पे वर्क करता है। तो यही देखिए, ये जो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, ये जो इस तरह से यहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन है, ये एक्चुअली क्या है, एक्सॉन्स है आपके, ये एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये आपका ब्लड कैपिलरीज है, ये आपका मसल फाइबर्स है, ये आपका मसल फाइबर्स है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका मसल, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका जो मसल फाइबर्स है, इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, फाइनली एक न्यूरॉन होता है जो आखिर में जाकर एक नर्वस फाइबर, सॉरी नर्वस बोल रही हूँ, मसल फाइबर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये जो ये है आपका ये इसका इंटरसेक्शन डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, कि ये एक टर्मिनल जो यहाँ पर आकर के नर्व मसल से कनेक्ट हुआ है, तो यहीं पर आपका बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ एक मसल जो है एक न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं ना, जो मैसेजेस एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाते हैं, फिर फाइनली ये न्यूरॉन से होते 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 एक मस्कुलर नर्व मस्कुलर फाइबर तक पहुंचते हैं, तो उन ये जो काम होता है ये कुछ सर्टेन केमिकल्स की वजह से होता है, उनको हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, दीज आर पॉपुलरली नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है जो मैसेजेस जो हैं फाइनली नर्व्स तक मसल फाइबर्स तक पहुंचाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। अभी ये जो हमारे नर्व्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोग पहले बात किए थे ना, सॉरी, यहाँ हम लोग बात किए थे ना रिसेप्टर्स इफेक्टर्स। तो जो नर्व्स मैसेज रिसीव करते हैं, जो नर्व्स मैसेज रिसीव करते हैं उनको कहते हैं हम लोग रिसेप्ट, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो वो नर्व्स जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं उनको कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स, वो नर्व सेल्स जो मैसेज पहुंचाते हैं मसल्स, सॉरी, किसी भी इफेक्टर ऑर्गन्स तक, उनको कहते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग, मोटर न्यूरॉन्स।
ठीक है। तो जो नर्व सेल्स मैसेज रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स जो रिसीव कर रहे हैं, जो अभी आप लोग रिसेप्टर्स देखे थे, वो सारे क्या हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अब वही नर्व सेल्स फिर जब वही नर्व नहीं, दूसरे नर्व सेल्स जो मैसेज लाते हैं इफेक्टर्स तक कि उनको रिस्पॉन्स किस तरह करना है, उनको कहते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स। और ये मोटर, ये क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ये डिफरेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आप लोग को ये बता दिया है ताकि आप लोग दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, पैसेज, तो दोनों का रास्ता क्या होता है, इट पासिस इम्पल्स टूवर्ड्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नर्व्स होता है, ये जो मैसेज, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स को ही हम लोग एफरेंट नर्व भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स को ही हम लोग एफरेंट नर्व भी कहते हैं। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन को ही इफरेंट नर्व भी कहते हैं। तो इन दोनों का पैसेज यानी कि रास्ता कैसा होता है, इट पासिस इम्पल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो जो इम्पल्स होता है, जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होता है, ये ले जाता है रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर से ले जाता है, ये कहाँ तक, किसके पास ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये भी हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इट पासिस, और ये जो मोटर नर्व होता है, ये क्या करता है, इट पासिस इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक एक जो नर्व है ये ले जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जा रहा है, और दूसरा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ऑर्गन्स इफेक्टर्स तक ले जा रहा है। तो ये आपका जो सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो सेंसरी नर्व है, वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जा रहा है, और जो मोटर नर्व्स है वो ब्रेन से, ब्रेन नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी ऑर्गन तक ले जा रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस रिसेप्टर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं मैसेज, वो आता है आपका रिसेप्टर ऑर्गन से, जैसे कि आप जो कि है आपके आइज, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, फिर ये जो है ये इनका है, ये इम्पल्स कैरीज इन्फॉर्मेशन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ये फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन से रिसीव करते हैं, और ये इफेक्टर ऑर्गन से के पास ये मैसेज ले जा, एक इम्पल्स ले जाते हैं, इम्पल्स जाता है। तो इसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, यानी मैं, जैसे मैंने आपको बिल्ली का बताया था, बिल्ली ने चूहे को देखा। ठीक है, चूहे को उसने किससे देखा, आँख से देखा। तो आँख का जो रिसेप्टर रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर सेल है, वो मैसेज ले जाएगा CNS तक। वो आपका सेंसरी नर्व सेल हो गया। ठीक है, वो आपके CNS तक ले जाएगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। फिर उसके बाद किसको इफेक्ट करना है, किसको रिएक्ट करना है सिचुएशन, उस सिचुएशन में, बिल्ली का हाथ पैर, वो हाथ पैर से अपने दौड़ेगी, अपने दोनों जो लिम्ब्स हैं उसे दौड़ेगी, तो उस वहाँ पे इफेक्ट लाना है। तो फिर वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स इफेक्टर ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, वो होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स। तो इम्पल्स यहाँ पर जो है रिसेप्टर ऑर्गन से आता है, और इम्पल्स यहाँ पर इफेक्टर, और यहाँ पर जो है इम्पल्स कैरीज इन्फॉर्मेशन, और ये इफेक्टर ऑर्गन तक ये मैसेज ले जाता है। रीजन, ये किस रीजन में होता है, पिक्स अप इन्फॉर्मेशन इन द रीजन ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है, इट हैंड्स ओवर इन्फॉर्मेशन बाय एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स। अच्छा, आप लोग देखे थे ना, जब हम लोग न्यूरॉन्स पढ़े थे, जब हम लोग न्यूरॉन्स पढ़े थे, तो आप लोग यहाँ पर देखे थे कि ये जो डेंड्राइट्स है, यही मैसेज रिसीव करता है। तो जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो यहाँ से मैसेज रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो मोटर नर्व्स होते हैं, वो मैसेज ले जाते हैं। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, ये उस एक्सॉन टर्मिनल से ये मैसेज इफेक्टर ऑर्गन को हैंड ओवर कर देते हैं, मतलब उनको बता देते हैं कि हाँ, उनको इस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है,
समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज़ अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ चिल्ड्रन बताइएगा, फिर हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो रहा है तो उस पर एक दूसरा वीडियो भी बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे का स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में बात करी थी कि हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम का जो टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो कौन से थ्री पार्ट्स हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो मेनली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो ब्रेन है यहाँ पे, ये ब्रेन और साथ में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये मिलकर के बनाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आपका ब्रेन जो स्कल में जो ब्रेन है, फिर उसके बाद जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उन दोनों को मिला करके हम लोग का बनता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हो गया, बट उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और से जो बाकी सारे ऑर्गन से जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं जैसे ये जो, सॉरी फिगर थोड़ा ब्लर हो गया, तो ये जो आपका ब्रेन है और साथ में जो नर्वस सिस्टम है, ये आपका हो जाएगा CNS, ठीक है। फिर बाकी सारे ऑर्गन्स से जो ये कनेक्टेड हैं नर्व्स, ये आपके हो जाएंगे और फिर ये सारे जो नर्व्स जो हैं कनेक्टेड हैं इस CNS से, जो CNS से जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस है जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंटिन्यूसली बिना किसी कंट्रोल के बस रेगुलरली होते रहते हैं, ऑटोमेटिक ये सारे काम होते हैं। तो वो सारे जो नर्वस सिस्टम जो उन सारे काम को रेगुलेट करते हैं उनको कहते हैं हम लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आ गया आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, और ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो चिल्ड्रन ये देखिएगा, यहाँ पर ये एक पैन है जो कि बहुत गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हैंड है, जो हमारा स्किन है, स्किन में हमारा रिसेप्टर्स होता है, स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, तो यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होगा? सेंसरी रिसेप्टर होगा। और अगर आप लोग ने पहले का स्लाइड देखा है, पहले की वीडियो देखी है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि जो हमारा स्किन में जो रिसेप्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टैंगो रिसेप्टर कहते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये यहाँ पर जो हमारा रिसेप्टर है ये मैसेज रिसीव करेगा। एक हम लोग को सिचुएशन, एक स्टिमुलाई मिला जहाँ पे हम लोग को एक हॉट पैन मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे हैंड में जो रिसेप्टर है ये मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। और ये मैसेज ले जाएगा सेंसरी, ये जो मैसेज है, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज ले जाएंगे कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम लोग को तुरंत रिएक्ट करना होता है। अगर आप
अब सोचिए कि अगर आपने ये गरम कोई चीज़ छू लिया है और उसके लिए अगर आपका ब्रेन तक ये आपका मैसेज गया और वो सोचने लगा कि किस तरह से रिएक्ट करना है, तब तक तो टाइम पास हो जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो वो टाइम पास नहीं हो जाना, हम लोग को तुरंत रिएक्ट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इसको ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये डायरेक्टली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड होता है, फिर ये रिले न्यूरॉन है, फिर इस न्यूरॉन से ये दोनों नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, फिर ये जो फिर यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आ रहा है ये होता है आपका मोटर न्यूरॉन, ये है आपका मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सीएनएस से मैसेज लाता है, इंफॉर्मेशन लाता है इफेक्टर पे। तो ये आपका इफेक्टर है, यानी कि ये मसल है। अब आपको अगर गर्म लगा है तो आप किस चीज़ को उठाएंगे, अपने हाथ को उठाएंगे, आपके हाथ में क्या है, मसल है। तो यही मसल जो है फिर ये रिएक्ट करेगा। तो ये आपका यहाँ से मैसेज रिसीव हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन आपका मैसेज ले जा रहा है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीएनएस का ही पार्ट है, और फिर ये यहाँ से फिर ये तुरंत यहाँ पे रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है उसके बाद ये मैसेज जाता है ब्रेन तक, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हम लोग कि हम लोग सोचे कि आखिर आगे क्या करना है। अब सोचिए अगर आप आग आपके सामने आग है और उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है, अगर आप लोग सोचने लगेंगे तब तो टाइम निकल जाएगा और आग अपना काम करके बुझ भी जाएगा, है ना। तो इतना नहीं सोचना होता है, तुरंत रिएक्ट करना होता है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन। और ये जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्रेन और इन सारे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए इतना ही, और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।